जय श्री ऋषि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद का पाठ कराने जा रहे हैं, जिसमें एक से लेकर दस तक पाठ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस गया हो, किसी को पूर्व जन्म के पापों ने घेर रखा हो, दुविधा में हो, कोई इंसान मरण हालत में हो, या किसी के पर बहुत ज़्यादा दरिद्रता आ गई हो, कष्ट आ गई हो, या कोई भी परेशानी हो गई हो, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया हो, तो यदि उसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाती है, उसका पान कराया जाता है, तो उसके सारे कष्टों का नाश हो जाता है। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को इसका लाभ मिलता है। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ तो इसका ईश्वरीय कृपा मुझ पर है। मेरी बुद्धि ऐसी हुई है कि मैं आपको सुना रही हूँ तो मुझ पर भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा है, मेरे नारायण की कृपा है। इसके साथ साथ आप सब सुन रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स, उन पर कृपा है कि वो मुझे सुन रहे हैं और मैं उनको भागवत कथा सुना रही हूँ। भागवत कथा 7 दिन की होती है, जैसे आपने अक्सर सुना है, लेकिन उस 7 दिन की कथा में आधे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं सो छोड़ दिया जाता है। मैं इसमें स्कंद के हिसाब से बता रही हूँ। पहला स्कंद मेरा पूरा हो चुका है, जिसमें 119 तक के पाठ थे। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे स्कंद का सोपान करेंगे। तो मैं फिर से श्री गणपति महाराज को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। माता राधे का शुक्रिया अदा करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण महाराज को जय बोलती हूँ। हे माता राधा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं संध्या सक्सेना मुझ पे, मेरे पिता और मेरे माता और मेरे पूरे परिवार पे, इसके साथ साथ वो सभी लोग जो मुझे सुनते हैं, मानते हैं, माँ समान, गुरु समान, दीदी बहन मानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब पे कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। हे माता राधे, आपको मैं वचन आपसे लेती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे माँ बहन के समान मानते हैं, वो सभी जो आदर से आपके इसको सुन रहे हैं, मेरे इस पाठ को, उन सभी की मनोरथ को अवश्य पूरा कर दीजिएगा। तो आज हम कर रहे हैं, आपने इससे पहले कि मैंने आपको बताया था कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी थी अपने पूर्व जन्म के जो उनके प्रभाव थे कर्मों के हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे शुकदेव महाराज को, जो पूर्व जन्म में तोते थे, उनको ये भागवत कथा बताई थी। और ये भागवत कथा जो है उन्होंने जो है राजा परीक्षित को सुनाई थी, और राजा परीक्षित के बाद कलयुग में यही तोता जो कथा है पूरी सुखजी महाराज जो है ऋषियों को बता रहे हैं। तो इसमें आज हम द्वितीय स्थान में जो है द्वितीय अध्याय में, जिसमें कि टोटल 10 अध्याय हैं, यानी हम द्वितीय स्कंद की बात करें जिसमें टोटल 10 अध्याय हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें पहला जो पाठ आता है उसमें द्वितीय स्कंद में, उसमें यह आता है कि भगवान ने स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा कर्म मुक्ति के बारे में वर्णन किया है। यानी कि शुकदेव महाराज जो हैं इस समय, जो राजा परीक्षित हैं, जिनके जिनको श्राप मिला था ऋषि श्रृंगी से, क्योंकि उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके कंधे पर डाल दिया था और उनसे उन्हें श्राप लगा था कि तक्षक जो नागराज है उसके डसने से उसकी उनकी मृत्यु होगी, और तब वो अपनी इस क्रूर मृत्यु से बचने के लिए शुकदेव महाराज जी से अंतिम समय में श्रीमद् भागवत कथा का पान करते हैं 7 दिन में, और तब उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तक्षक उनको जब आता है डसने, तो उसी समय भगवान श्री नारायण जो है उनको अपने हृदय में छुपा लेते हैं। इस कथा में हम ये पान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनके अंगुलों में उंगलियां जो है उसमें बहुमूल्य अंगूठियां हैं, कमर में कर्दनी बनी है, उनके चरणों में नूपुर बंधी हुई है, और उनके घुंघराले बाल हैं, उनकी निर्मल चिकनी आँखें, लपाट, और उनको वो इतने सुंदर है कि भक्त जब उनकी तरफ देखते हैं तो बस उनको निहारते ही चले जाते हैं। परीक्षित जैसा योगी पुरुष जो है अब इस संसार को छोड़ना चाहता है, और वो भी अपना पूरा मन जो है वासुदेव में लगाने लगते हैं, और उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको वासुदेव जीत लेते हैं, और वो अपने सारे जो जितना भी उनका लोभ शोक द्वंद द्वेष वगैरह जितना भी था उन सबको त्याग देते हैं, और उनको महसूस होता है कि अंतरात्मा जो है वो परमात्मा से विलीन होने के लिए ही पैदा हुई है। उन्हें भगवान विष्णु के और अपने पूर्व जन्म के सभी चीज़ें याद आ जाती हैं, और वो पूर्ण रूप से भगवान में चित्त में समा जाते हैं। इस राय में पता चलता है कि जो प्रशिक्षित जो राजा थे उनको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, योगी सिद्ध पुरुष के बारे में पता चलता है, सिद्धियों के बारे में पता चलता है, तपस्या योग के बारे में पता चलता है, ज्ञान के बारे में पता चलता है, और उनके जितने भी अंधकार था जीवन में वो सब नाश हो जाता है। द्वितीय स्कंद का ही अब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं, जिसमें कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना के बारे में बताया गया है, क्योंकि हर देवी देवता की एक अपनी उपासना होती है और उसके बारे में बताया गया है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रशिष्टि से कि तुमने मुझसे पूछा था कि मरते हुए इंसान को क्या मांगना चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मरता हुआ व्यक्ति यदि बहुत बुद्धिमान है, तेजस है, तो उसको मरते समय बृहस्पति की कामना करनी चाहिए, जिससे उसकी अपनी इंद्रियों की को जीत सके। अगर उसके अंदर इंद्रियों को लेकर कोई इच्छा हो तो उसको इंद्र की इच्छा करनी चाहिए, जिससे उसकी संतान, जिसको संतान की लालसा हो उसे प्रजापति की उपासना करना चाहिए, जिसे लक्ष्मी जी की इच्छा हो उसे माया देवी की पूजा करनी चाहिए, जिसे तेज चाहिए उसे अग्नि की इच्छा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिसे धन संपत्ति चाहिए उसे वासुओ की पूजा करनी चाहिए, जिसे वीरता चाहिए उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए, जिन्हें अन्न की प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें देवी अदिति की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें स्वर्ग की कामना हो उन्हें अदिति के पुत्र देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी कुछ बताया है। उन्होंने बताया कि आयु की इच्छा रखने वालों को अश्विनी कुमार की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि पृथ्वी और धौ आकाश का सेवन करना चाहिए जिनको पद प्रतिष्ठा की इच्छा हो। सौंदर्य की चाह रखने वालों को गंधर्वों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की जो पत्नी है वो ब्रह्म, जो उर्वशी और अप्सरा है, और उन सभी के स्वामी कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और जिन लोगों को विद्या प्राप्ति की आकांक्षा हो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। खजाने की आकांक्षा करने वालों को वरुण देव की उपासना करनी चाहिए। और इसी तरह से जिनको पति पत्नी में प्रेम चाहिए है उनको पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। जिनको धन धर्म और उपार्जन करना है उन्हें भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने हर देवी देवता के बारे में बताया है कि किस देवी देवता को पूजा करने से क्या फल मिलता है, अंतिम समय में कौन को किसको क्या चाहिए अगले जन्म के लिए, इस तरह से वो उसको बताते हैं। अब अभी इसमें चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें राजा को, जो प्रसिद्ध राजा थे उनको सृष्टि के बारे में बताया जाता है, और सुखदेव जी कथा को आरम्भ करते हैं। इसमें इस अध्याय में बताया गया है कि जो राजा परीक्षित थे उनको अपनी मृत्यु का आभास हो गया था कि अब वो बहुत जल्दी ही मृत्यु के काल में चले जाएंगे, अतः उन्होंने संन्यास ले लिया और वो आत्म भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गए, और उनकी महिमा को सुनने के लिए वो श्री सुखदेव जी के पास चले जाते हैं, और साथ में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जो वर्णन सुखदेव महाराज जी करते हैं उसका बार बार वो रसोपान करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और अब उनको सभी शक्ति के बारे में पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जान जाते हैं, और अपने अंतरात्मा के द्वारा जो भी वो इस चीज़ को पा सकते हैं भक्त वत्सल होकर और हठपूर्वक भक्तिहीन जो भी उन्होंने आज तक किया था अब वो उसमें लीन हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए। इसी में आगे हम पांचवें अध्याय के पर जाते हैं। पांचवें अध्याय में षष्ठी के वर्णन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि नारद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जो उनके पिता थे उन्होंने षष्ठी को बनाया था। इसमें नारद अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और आपने सृष्टि की उत्पत्ति और जो रचना है वो क्यों की, किस कारण से की है। तो ब्रह्मा जी जो है नारद जी को बताते हैं बहुत ही करुणा में आने के बाद कि उनका जन्म जो है भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि में से जो कमल का फूल निकला था उसमें से उनका जन्म हुआ है, और भगवान श्री नारायण ने उन पर मोहित होकर उनसे उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य दिया, और इस सृष्टि के साथ रचना के साथ साथ नारायण जो माया स्वरूप हैं भगवान श्री हरि विष्णु उन्होंने अपनी माया को खेला है और अलग अलग अवतारों को लिया, रूपों को लिया। वो बताते हैं कि अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों से 10 देवताओं की उत्पत्ति होती है जिनका नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार में श्रोता, त्वचा, नेत्र, जीवा और घृणा से 5 काम इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। साथ में ज्ञान शक्ति रूपी बुद्धि तथा क्रिया शक्ति प्राण का तेजस अहंकार से ही उत्पन्न होता है, यानी कि अहंकार से इतनी चीजों की उत्पत्ति होती है। उसकी तरह 5 भूत इंद्रिया जो है मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तब अपने रहने के लिए जो भोगों के साधनपुर शरीर की रचना कर सके। अब षष्ठी की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया कि सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड एक अंडे की तरह निर्जीव जल में पड़ा रहा था और बहुत समय तक पड़ा रहा। उस अंडे को फोड़कर उसमें विराट रूप से जो पुरुष निकला जिसकी जांघा, चारण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में थी, वो विद्वान पुरुष और कोई नहीं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्हीं के अंगों से समस्त लोगों का निर्माण हुआ है और परिकल्पनाएं बनी हैं। उनकी कमर के नीचे के अंगों में 7 पतालों का, उनके पेड़ों में से ऊपर के अंगों में 7 प्रकार के स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्रह्मांड का वह विराट पुरुष जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको हम भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से जानते हैं,
उनकी जांघों से वैश्य जाति का उत्पन्न हुआ, उनके पैरों से शूद्र जाति का उत्पन्न हुआ, और उनके मुख से ब्राह्मणों का रूप बना और उनकी जो भुजाएं थी उससे क्षत्रियों का रूप बना है, ऐसी कल्पना की जाती है। और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास उनके रहता है, और उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों पे तपोलोक रहते हैं। इस प्रकार से भगवान की पूरे के पूरे शरीर जो थे उनसे जो उनकी जो घुटने हैं उसे सुतलोक बना, जांघ से तालातल बना, एड़ी के ऊपर के गांठों से महाताल बना, पंजों और एड़ियों से रसाताल बना, और तालुओं से पताल की कल्पना की जाती है। इस तरीके से उनके नाभि से भुवा लोक बना और सिर से स्वलोक बना, इस तरह से अलग अलग लोकों की रचना हुई। इस प्रकार नारायण भगवान की शरीर है, उनके शरीर के एक एक छोटे छोटे अंग से किसी न किसी देवी देवता या किसी न किसी लोक का निर्माण हुआ, और मृत्यु के बाद वापस वो सभी चीज़ें इसी में समा जाती हैं। वो कहते हैं कि शंकर देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी रेंगने वाले जानवर गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु पिशाचर पेड़ पौधे सब के सब जितनी भी चीज़ें हैं आकाश जल स्थल जितनी भी चीज़ें तारे तारामंडल बिजली बादल ये सब उस विराट पुरुष के ही रूप हैं और अंत में उस विराट पुरुष में ही समा जाने वाले हैं। अब हम उसके आगे स्कंद में अध्याय 7 की बात कर रहे हैं जिसमें भगवान की लीला अवतारों की कथा के बारे में बताया गया है। भगवान बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो ईश्वर ने अलग अलग तरह के रूप लिए हैं। जब पृथ्वी जल में डूब रही थी और पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने वाराह का अवतार लिया, हिरणाक्ष का अवतार लेकर आदित्य में अंदर जाके जल में लड़े, और जैसे ही इंद्र ने अपने वज्र से देवताओं के पंख काट डाले वैसे ही वाराह ने भगवान ने अपने दाढ़ी से धरती को बचाया, और प्रभु की इच्छा से रुचि नामक प्रजापति और आकृति में तब एक रुचि नाम की जो स्त्री थी उसके गर्भ से जो एक बच्चा पैदा हुआ था जिसको आप जानते हैं हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था, तो उसकी भी मृत्यु का कारण जो बने थे भगवान ने अवतार लेकर ही बने थे। इसमें भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया है इस वाले पूरे पाठ में, जिसके बारे में मैं आपको पिछले अध्याय में जो बता चुकी हूँ कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए थे और कितने अवतार हुए थे। उन्होंने अपने अलग अलग अवतारों का नाम बताया है। उन्होंने कपिल का अवतार लिया, महर्षि अत्रि के रूप में भगवान को प्राप्त किया, और इस तरह से उन्होंने दत्तात्रेय का रूप लिया, और राजा यदु के रूप में सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग करके मोक्ष की सिद्धियां प्राप्त की। नारद भगवान कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि में अलग अलग रूपों में जन्म लिया और अलग अलग कामों के लिए, जब भगवान शंकर से के क्रोध से कामदेव जल कर खत्म हो गए थे तो उन्होंने कामदेव को अपने पुत्र के रूप में अगले जन्म में जन्म दिया जिसको आप जानते हैं, और उसके बाद इसी तरह से जो सुरुचि थी जिसका बेटा था जिसको हिरण्यकश्यप मारना चाहते थे तब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया और उसके चीर दिया था, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग रूप से लिए। उन्होंने हृदय ग्रीव का अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, और क्षीर सागर में रहकर उन्होंने कच्छप का अवतार लिया जब उन्हें पर्वत को मथना था, और ऐसे आपको इसी तरह से उन्होंने वामन अवतार लिया और बलि को छल्ला था वामन के रूप में, इस तरह से उन्होंने अलग अलग अवतार लिए। राम के रूप में वो काशुवंत्र ईश्वकशु जो इनका वंश है उसमें आए थे, और वो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ उन्होंने जन्म लिया था। सीता के वियोग में उन्होंने क्रोधाग्नि में जो रावण था उसको भस्म करके एक तट राज्य बनाया था। श्रीकृष्ण के रूप में उन्होंने पूतना की हत्या की, मार दिया उसको, और साथ में कंस की हत्या की, और इस तरह से उस रूप में भी उन्होंने नंद बाबा के घर में जन्म लेकर बहुत सारी लीलाओं को किया, गोकुल के लोगों का मन लगाया और सभी को व्याकुल कर दिया, राधा का प्यार पाया और विवाह रुक्मणी से की, उनकी सभी के सभी जो लीलाएँ हैं उनका इसमें वर्णन है। अब हम इसमें अध्याय नंबर 8 का जो है उसमें राजा परीक्षित ने जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे थे, यानी प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में हम बताएंगे। राजा परीक्षित जो हैं वो पूछते हैं ब्रह्मा जी से, मतलब ब्रह्मा जी के रूप में पूछते हैं कि मुझे ये जानना है कि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था नारद को कि तुम संसार भर में भगवान की लीला भेजो करो, और किस किस को उन्होंने भगवान की दर्शन और लीला के बारे में बताया, मैं उसके बारे में उनकी कथाओं को जानना चाहता हूँ।
इस पर सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि जब सृष्टि बनी की सृष्टि का आरंभ हुआ था तो वेद तुल्य श्रीमद भागवत पुराण का कथा जो है सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को ही सुनाया था, क्योंकि ब्रह्मा जी को सुनाने के बाद उन्होंने इसको प्रसिद्ध जो राजा थे उनको भी सुनाया। सुखदेव कहते हैं कि प्रसिद्ध जैसे सपने में देखने वाली पदार्थों को उसमें देखने से कोई संबंध नहीं होता है, इसी तरह से आत्मा और परमात्मा में जो दैहिक संबंध होता है उसमें आत्मा को माया के बिना दृश्य पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक भगवान जो नारायण थी उनकी सेवा की, उनका ध्यान किया, उनका पूजन किया, उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को एक वरदान दिया नारायण ने, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा लोक देता हूँ जो लोक सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक दिव्य लोक उनके सामने आ गया है, उसमें समस्त भक्तों के रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भी हैं, उनके रक्षा के लक्ष्मीपति हैं, यक्षपति हैं, और नारायण भी उसमें है, सुंदर नंदन प्रबल और आहण आदि मुख्य पार्षद गण हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुंदर गाने बज रहे हैं, मधुर चिंतन हो रहा है, और वहाँ पे भगवान के सोने का सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल है, और ये वो स्थान है जहाँ पे वो सभी लोग जो श्रीमद् भागवत का सुनते हैं मृत्यु के बाद वो यहीं पर आकर बस जाते हैं। उस दिव्य स्थल का जो देखने के बाद भगवान ब्रह्मा जी हैं उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा आनंद से प्रेरित हो गया, और वो बहुत ही इसको खुश हुए, वो इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब हम अध्याय 10 का पाठ करेंगे जो कि द्वितीय स्कंद का आखिरी सोपान है, अध्याय है, जिसमें भगवान के भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया गया है कि भागवत के कौन से 10 लक्षण हैं। भागवत के 10 लक्षणों में जो है सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, उति है, मनवंतर है, ईशान कुथा है, निरोध है, मुक्ति है, आश्रय है, इस तरह से 10 विद्याओं का वर्णन किया है। जो 10 विद्या है आश्रय तत्व, इसे ठीक ठाक जो नियम है इसमें निश्चय करने के लिए है, श्रुति करने के लिए है। तत्पर्य से ये है कि दोनों के अनुकूल अनुभव में महात्माओं के अन्य नॉन जो नियम है उसमें सुगम रीति है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दुर्गम रीति आती है। तमंत्र अहंकार, इंद्रियां, महा तत्व की उत्पत्ति होती है, उसे सर्ग कहा जाता है, और विराट पुरुष में ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर शस्त्रों का जो निर्माण हुआ है उसे विसर्ग कहा जाता है, और इसके साथ ही प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि में मर्यादा स्थिर होकर रह जाती है, और वो भगवान विष्णु के नाम से उसे स्थान कहा जाता है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि को भक्तों के कृपा हेतु लगाने के लिए उसे पोषण कहा जाता है, और मनवंत्रों ये अधिपति जो भगवान की भक्ति से प्रज पालन रूप शुद्ध रूप से अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की जो वासनाएं हैं जो कर्म के द्वारा बंधन में उनको डाल देती हैं उसे उति कहते हैं। भगवान ने विभिन्न अवतारों में उनके प्रेमी भक्तों के साथ जो गाथाएं की हैं, प्रेम गाथाएं की हैं, उसे ईशानु कथा कहा जाता है, और जब भगवान योग निंद्रिया स्वीकार करके शयन करने चले जाते हैं तब जीव भी उनकी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाता है, इसे निरोध कहते हैं। आज्ञा कल्पित कर्तव्य भोग तत्व आदि आत्मभान का परित्याग करके जो लोग परमात्मा में मिल जाते हैं उसे मुक्ति कहते हैं। परिषद कहते हैं कि इस चराचर जगत में उत्पत्ति के परलय जिस तत्व को प्रकाशित होते हैं वही आश्रय है। इस तरह से 10 विद्याओं के बारे में बात हो जाती है जो कि भागवत के 10 लक्षणों में आती है। वो आगे कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति परलय में जो तत्व है उसी को परमात्मा कहा जाता है। सूर्य आदि के रूप में जो भी कुछ है, जो गोलक है, नेत्रों की जो दृश्य शक्ति है उसे सूर्य से लिया गया है तो गोलक के रूप है, और ब्रह्मांड में जो विराट पुरुष था जो कि ब्रह्मांड रूपी उस अंडे को फोड़ के निकला था वह अपने रहने के लिए एक स्थान ढूंढने लगा, और फिर उसने पवित्र जल की सृष्टि में रचना की और उसके अंदर स्थान पाया। नर का मतलब पुरुष होता है, और जो नार होता है वो जल को बोलते हैं क्योंकि जल का नाम भी नार होता है, तो नर नारायण इसलिए उनका नाम बना, और वो कौन बने? भगवान विराट श्री विष्णु जी।
उस विराट पुरुष को जब अन्न और जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई, साथ में कोशी के देवता, समुद्र नाड़ियों के देवता, नदियां और दृष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय पर उत्पन्न हुए। इंद्रियों पर और मन के रूप में चंद्रमा का निर्माण हुआ, विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष में शरीर में पृथ्वी और जल और तेज सात धातुएं प्रकट हुई, जिसे त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और स्थिर अस्थि बनते हैं, और इसी प्रकार आकाश, जल, वायु के प्राणों से उत्पत्ति हुई। और इस तरह से इंद्रियों के बारे में बताया गया है। प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराय, नाग, सर्प, किम, पुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, विनायक, कुष्माणा, उन्माद, बेताल, यतुधान, वा ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीप आदि जितने भी संसार के रूप हैं वो सब भगवान ही है और भगवान के अंदर से ही निकले हैं। जितने भी पशु पक्षी सरीसृप है वो इस तरह से धरती जो है एक मिश्रित रूप है, सृष्टि का मिश्रित रूप है। इस तरह से नर नारायण की हम पे बहुत कृपा है, राधा रानी की हम पे कृपा है, भगवान कृष्ण वासुदेव की हम पे कृपा है, और उससे ज़्यादा हमारे गणपति महाराज की हम पे कृपा है कि हम इस स्तुति को सुन रहे हैं। और आज मेरा द्वितीय खंड पूरा हुआ। इस द्वितीय जो स्कंद था इसमें 10 पार्ट थे जिसको मैंने आपको बता दिया है। अगले उसमें वीडियो में हम तृतीय स्कंद की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि राधा रानी की जय है, हे भागवत पुराण आपकी जय हो, भगवान श्री गणपति महाराज, हे कृष्ण जी, हे राधा माँ हम पे कृपा करें, मुझ पे कृपा करें, मेरे परिवार पे कृपा करें, मेरे जो फॉलोवर्स हैं जिसमें जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो मुझे माँ समान मानते हैं, बहन दीदी मानते हैं, उन सब पे कृपा करें, कृपा कर पे कृपा करें। और जो भी राक्षस प्रतिवर्ती के हैं, दुष्ट हैं, जो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे चैनल को या मेरे सब्सक्राइबर्स को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, माता बगलामुखी उन सभी का विनाश करे। ओम ह्रीम बगलामुखी स्वर दुष्टाना वाचना मुखा पाद स्तंभा जीवक्ल बुद्धि विनाशी हुम साहा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और हम सब पे कृपा बरसाएं, जो आपको जानते हैं उन पे भी कृपा बरसाएं और जो आपको नहीं जानते हैं उन पे भी कृपा बरसाएं, ऐसी कामना के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस द्वितीय स्कंद का पाठ करने से आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी, सुनने वाले को भी इसकी मनोकामना पूरी होती है और आपकी भी होगी। और मैं अपने पिता की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, तो मुझे विश्वास है कि इस भागवत के पुराण के पाठ से मेरे पिता की सेहत भी अच्छी होगी। तो आज के लिए बस इतना।